सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए भवन की इमारत का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। भाजपा नेताओं ने इस दौरान मोदी के नारे लगाए। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, पंचायत समिति के प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, संतोष मेघवाल, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, कुंभाराम आर्य, रवि आर्य, डीआरयूसीसी सदस्य विजय चौहान, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष जय श्री दादी, मंडल भाजपा के अध्यक्ष पवन महेश्वरी, गिरधारी लाल कांटेवाल, भंवर लाल समोता, बुद्धि प्रकाश सोनी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत उप मुख्य विद्युत इंजीनियर कुणाल कपूर ने किया। वहीं पीसीबी स्कूल और राज्य के कुनोई बालिका विद्यालय के छात्राओं और नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर खेमाराम मेघवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता और गरीब कल्याण के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कार्यक्रम में मंडल विद्युत इंजीनियर नीतीश कुमार, मंडल निरीक्षक कर्मचारी कल्याण कुमार राम चौधरी, मंडल वाणिज्य निरीक्षक वीरेंद्र तंवर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बतीलाल मीणा, स्टेशन अधीक्षक प्रहलाद मीणा, बीजेपी नेता यशोदा माटोलिया, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसोन, विकी चौहान, नरेंद्र गुजर, नरेंद्र प्रजापत, शर्मिला सोनी, प्रकाश सोनी, कमल धादी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी नेतागण व आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सैकड़ों लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन वक्तव्य सुना। संचालक पिंकी सोनी, विनोद कुमार सुंडानी। मैं पूरे देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय मोदी जी का और माननीय रेलवे मंत्री जी का, जो अथक प्रयासों से भारत के रेलवे स्टेशनों को एक विश्व स्तरीय आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त दर्जा देने का जो आप अभियान चलाया, निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवशाली गौरवान करने वाला अवसर। साथ ही मैं आपकी जानकारी में और भारत देशवासियों की जानकारी में लाना चाहूंगा कि रेलवे का जब शुरुआत हुई देश में अंग्रेजों ने करी 1853 में, उससे लेके और 2014 तक भारत में जो विद्युतीकरण का जो गति रही वो 21,000 किलोमीटर के आसपास रही, और आज 2023 का जो वर्ष आया है 2014 से 2023 तक, आज जो विद्युतीकरण हुआ देश में वो 1,08,000 किलोमीटर का हो गया है। और जो लक्ष्य लिया हमारे रेल मंत्री महोदय ने माननीय मोदी जी के निर्देशों में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो दिसंबर 2024 तक पूरे भारत को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य लिया, निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत अच्छा क्षण है। साथ ही रेलवे पे ऐसी सुविधाएं मिलना, एक आम आदमी को माना गया था कि रेलवे की यात्रा किसकी, एक गरीब आदमी की सुविधा, तो गरीब आदमी को वो सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने इसको चेंज किया, इस भावना को परिवर्तन किया और ये कहा कि देश का हर नागरिक इस देश के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अमीर को सुविधा मिलती है वो गरीब को भी सुविधा मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम है, निश्चित रूप से मोदी जी ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। आज 508 स्टेशनों का जो पुनर्निर्माण जो होने जा रहा है, और उसके लिए सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए 19.3 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जा रहा है, और इसमें सारी सुविधाएं, चाहे लिफ्ट हो, चाहे आधुनिक सुविधाएं जितनी भी हो, सारी जो विदेशों में हम देखने को मिलती थी वो सारी सुविधाओं से युक्त ये सुजानगढ़ का रेलवे स्टेशन बनेगा, और उसके अंदर हमारे आसपास के इलाकों के, चाहे हमारे धार्मिक स्थान हो, चाहे हमारे स्थापर अभ्यारण का जो ये विश्व स्तरीय जो ये है उनका भी, इसमें हमारे जो ये बिल्डिंग बनेगी उसमें नक्शा जो होगा उसमें जो आकृतियां जो होगी वो हमारे राजस्थान के प्रदेश की विभिन्न तरह की आकृतियां इसमें सजाई जाएगी, और जिससे इस चित्रों के माध्यम से बालाजी सालासर जी है, वेंकटेश्वर मंदिर है, आप ताल छापर के हैं, सबके इसमें इन्वॉल्व करके और बहुत ही शानदार विश्व स्तरीय ये जो रेलवे स्टेशन बनेगा, इसके लिए मैं विशेष तौर से हमारे मोदी जी को धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया, बार बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया, और उन्हीं का प्रयास है कि आज आप देख रहे हैं सुजानगढ़, रतनगढ़, आपके चूरू, साजुलपुर, इतने सारे स्टेशनों को एक साथ ये पुनर्निर्माण जो हो रहा है अमृत योजना के अंतर्गत, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में शनिवार को राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हो गया। सभापति नीलोफर गोरी, एडीएम भागीरथ साख ने ध्वजारोहण करके उद्घाटन किया। कार्यक्रम में तहसीलदार प्रवीण सैनी, सभापति अमित मारोटिया, आयुक्त दिलीप कुमार शर्मा मौजूद रहे। वहीं प्रभारी रामलाल गुलेरिया ने बताया कि 5 क्लस्टरों में 60 वार्डों की टीमों का गठन किया गया है। कार्यक्रम में ओम प्रकाश देवटिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामावतार शर्मा, अमजद खान कायमखानी, प्रदेश योता केला चीनिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम से पूर्व प्रतियोगिताओं के शुभारंभ से पहले खेल प्रेमियों ने राजा खान के नेतृत्व में नारेबाजी की और सुजानगढ़ में खेल मैदान की मांग की। वहीं पुलिस ने भी बार बार संघर्ष की प्रयास किए, लेकिन कुछ देर तक खेल प्रेमियों ने नारेबाजी करके खेल मैदान की मांग को बुलंद किया। सुजानगढ़ शहर के नाथों तालाब के पास एक मोहल्ले में खुली पड़ी कुई में गाय गिर जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते बड़ी मुश्किल से गाय को बाहर निकाला जा सका। दोपहर में गाय गिरी तो सूचना बजरंगी गौ सेवा समिति के बबलू बजरंगी और उनकी टीम को दी गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया। इसी प्रकार गौशाला के लोग भी मौके पर पहुंचे। गाय को निकालने में सफलता नहीं मिलने पर मौके पर क्रेन बुलवाई गई और एक युवक को कुएं में उतारा जाकर गाय को बांधा गया। फिर क्रेन की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि गाय को शरीर पर इस दौरान काफ़ी जख्म भी आए थे। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना में शनिवार की शाम को पैदल गश्त की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड सहित अनेक स्थानों पर पुलिस की पैदल गश्त की गई और आम लोगों से अपराधों की पूर्व सूचना पुलिस को बेधड़क दिए जाने तथा पुलिस का सहयोग किए जाने की अपील इस गश्त के माध्यम से की गई। सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा की बैठक आयोजन उपखंड कार्यालय के सामने चल रहे धरना स्थल पर किया गया। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया 563 दिनों से लगातार धरना चल रहा है और सरकार लगातार सुजला या सुजानगढ़ जिले की मांग की अनदेखी कर रही है। इसी को लेकर विरोध शुरू सोमवार को सुबह 10 बजे से बस स्टैंड से शुरू होकर मौन जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकाला जाएगा और उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर पुतला दहन भी किया जाएगा। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया ने कहा कि सुजानगढ़ जिला हमारा हक है और जनता इसे लेकर रहेगी। बैठक में तेजपाल गोदारा, गजानंद प्रजापत, गंगाधर मूंड, लियाकत खान, कृष्ण लाल, पार्सा सिराज खान कायम खानी, मदन सिंह खिची, जगदेव बेड़ा, गुरुदेव गोदारा, सलीम तेली, बुधाराम गुलेरिया, इरफान खान, भवानी शंकर, पवन भोजक, साबिर अली चौहान, महबूब बड़गुजर, कॉमरेड जगदीश नाथ, राकेश शंकर स्वामी, जितेंद्र भार्गव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान सरकार ने भी आश्वस्त किया था कि सुजला को, सुजानगढ़ को शीघ्र ही जिला घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सुजानगढ़ का नाम नहीं आया। सुजानगढ़ की जनता में आक्रोश है। इस आक्रोश को लेकर के कल दिनांक 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से मौन जुलूस निकाला जाएगा, जो पुराने बस स्टैंड से घंटाघर होते हुए SDM कोर्ट तक पहुंचेगा। यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। मेरी सुजलांचल के सभी लोगों से विनम्र अपील है कि मौन जुलूस के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इसको सफल बनाएं।